नौ जून की शुरुआत में आप सबका स्वागत है परमात्मा कहते हैं कि साधनों को निर्लिप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भवा मतलब कि साधनों का इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए उसको कहते हैं निर्लिप उसका लेप ना हमारे ऊपर लग जाए निशानी ना छोड़ दें हमारे ऊपर बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो सदा बाप के प्यारे बल्कि हर चीज परमात्मा से आ रही है हर चीज परमात्मा में जाकर के खत्म हो जाएगी मतलब कि हमारे संकल्प परमात्मा से उत्पन्न हो और हमारे अंतिम संकल्प भी परमात्मा ही हो यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है परमात्मा का प्यारा सबसे न्यारा बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते परमात्मा से या तो हमारे अटैचमेंट है अट्रैक्शन है या तो चीज़ों से वस्तुओं से हमारी अटैचमेंट या अट्रैक्शन है बस ये दो चॉइसेस हैं एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है लगाव में आ जाएंगे तो परमात्मा कहते बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते लगाव में आ जाएंगे जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी अगर कोई चीज़ में लॉस हो प्रॉफिट हो निंदा हो स्तुति हो लाभ हानि हो जय पराजय हो क्योंकि परमात्मा का बन गया इसको ही कहते हैं निर्लिप स्थिति मतलब कोई भी परिस्थिति उसके ऊपर लेप नहीं लगा सकती उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती उसको परमात्मा से जुदा नहीं कर सकती है कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं हद का आकर्षण दुनियावी आकर्षण हो गए धन दौलत संपत्ति रूप रंग वेशभाषा ये सारी चीज़ें होगी हद के आकर्षण में नहीं आ सकता लेप नहीं लग सकता रचना व साधनों को निर्लिप होकर कार्य में लाएँ परमात्मा ऑर्डर दे रही है रचना व साधनों को निर्लिप्त होकर कार्य में लाएं रचना ही क्या क्या हो सकती हैं जो कि हमने प्राप्तियाँ अपनी करी हुई हैं जो हमें कुछ क्रिएशंस करी हुई अपने आप से या जो साधन है हमारे आजू बाजू जैसे ये लैपटॉप है ये फ़ोन है ये सारे साधन हो गए को निर्लिप्त होकर के कार्य में लाएं मतलब कि अगर इनको कुछ हो जाता है या ये काम करना छोड़ देते हैं या कुछ हो जाता है हम हाई तोहबा ना करें हम परेशान ना अगर हम परेशान हो गए तो हम अपनी शान से उतर के परमात्मा के गोद से हम उतर के दूर हो गए ऐसे बेहद के विरागी ही राजऋ हैं तो ये समझ करके हम आगे बढ़ें अपने जीवन में और चेक करते जाएं अपने आप को कितना हमारा चीज़ों से वस्तुओं से लोगों से लगाव है या तो हम परमात्मा के प्यारे हैं या तो फिर हम दुनिया की चीज़ें वस्तुओं के प्यारे हैं ओम शांति